दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद शमी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में शमी की रफ्तार के आगे तो कांगारू भी फेल हो गए, और जैसे दोस्तों शमी ने ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ाए उनकी गेंदबाजी को देखकर तो आज उन्हें मोदी भी सलाम करते हुए नजर आए। कैसे दोस्तों शमी ने पूरा मैच पलटा, कैसे शमी की गेंदबाजी के आगे कांगारू ने टेके घुटने और पीएम मोदी ने तालियां बजाई, आपको उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद शमी और सिराज में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही इस सीरीज का चौथा और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और रोमांचक टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मुकाबला इतना खास है कि दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री भी इस मुकाबले को देखने आए हैं। इस मुकाबले की खासियत तो दोस्तों हर कोई जानता है, लेकिन उतना ही खास इसे जीतना भी है भारत के लिए, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना मतलब कि WTC के फाइनल तक पहुंचना। दोस्तों ये हाई स्कोरिंग पिच है। मुकाबला शुरू हुआ और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और दोस्तों हाई स्कोरिंग पिच है तो रन तो बनने ही थे, और ऐसा ही मैदान पर आज हमें देखने को मिला। दोस्तों टेस्ट मैच में अगर किसी टीम के 12-13 ओवर में 50 से 60 रन भी बन जाए तो उसे अच्छी शुरुआत मानी जाती है, और ऑस्ट्रेलिया टीम को ऐसी शुरुआत मिली भी। पारी के 16वें ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरा था, स्कोरबोर्ड पर 61 रन दिख रहे थे, लेकिन तभी रविचंद्रन अश्विन ने शानदार वापसी करते हुए पहला विकेट अपने नाम किया। 44 गेंदों में 7 चौके जड़कर 33 रन पर खेल रहे ट्रेविस हेड का विकेट दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने जाडेजा के हाथों कैच आउट करवा कर हमें दिला दिया। दोस्तों मानुष लाबुसेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि कोई और खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लड़ता नजर आया हो या न आया हो, इस खिलाड़ी ने दोस्तों शानदार पारियां खेली है इस पूरी सीरीज के दौरान। इनका विकेट मिलना मतलब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा है, और दोस्तों इनका विकेट हमें एक ऐसे गेंदबाज ने दिलाया जो कभी भी भारतीय फैंस को निराश नहीं करते, मोहम्मद शमी। और दोस्तों शमी ने कोई ऐसे ही इनका विकेट नहीं दिला दिया था, अपनी रफ्तार के बल पर इनकी विकेट्स को कुछ इस तरीके से उड़ाया जिसे देखकर पीएम मोदी भी इनके दीवाने हो गए। मानुष लाबुसेन को दोस्तों मैदान पर आए 20 गेंदे हो चुकी थी और उनके रन थे मात्र 3, लेकिन शमी ने अपनी रफ्तार के आगे इनकी बल्लेबाजी का गला कुछ इस तरीके से घोटा के जिसे हर कोई देखकर दंग रह गया। दोस्तों ये पल 23वें ओवर का है जिसमें शमी को बुलाया गया था लाबुसेन को शिकार बनाने के लिए, और दोस्तों इसी 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों शमी ने अपनी घातक रफ्तार वाली गेंद डाली, और दोस्तों वो गेंद लाबुसेन के बल्ले का किनारा लेकर सीधा जा लगी विकेट्स में, और ये खिलाड़ी क्लीन बोल्ट हो गया। दोस्तों शमी की गेंद इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैदान पर मौजूद हर कोई तालियां बजा रहा था, यहाँ तक कि पीएम मोदी भी। दोस्तों शमी की रफ्तार कितनी तेज थी वो सबने अपनी आंखों से देखा, और इसी तरीके से दोस्तों शमी की रफ्तार और अश्विन की धमाकेदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को मिल गई आज के दिन की 2 सफलताएं। दोस्तों आप सभी शमी की इस खतरनाक गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।